हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप, जहां पर आपको प्रिपरेशन कराई जाती है जेईई नीट एंड बोर्ड्स एग्जाम के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट की। करते हैं आज का टॉपिक, टॉपिक को स्टार्ट करें उसके पहले हमेशा जो हम काम करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हम पहुँच सके, जिससे हमें और ज़्यादा एनर्जी मिले इस तरह के वीडियोज़ को बनाने के लिए। इस तरह से ये आपका शेयर करना, ये आपका लाइक करना ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। एक चार्ज डिस्क के कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू है उसको हमें बताना है। तो हमने जो इलेक्ट्रिक रिंग, जो रिंग की वजह से जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू हमें पता है, एक रिंग की वजह से उसके सेंटर एक्सिस पर, उसके एक्सिस से पास हो रहा है किसी, उसके सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस से किसी डिस्टेंस पर हमें वैल्यू पता होती है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की पता, वैल्यू पता होती है। तो उसी का यूज़ करके हम निकालते हैं डिस्क के कारण उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक डिस्क बना लेते हैं। हमने क्या किया, एक डिस्क बना ली, ठीक है, और इस डिस्क की रेडियस हमने ले ली कितनी, आर। ये जो डिस्क है, इस डिस्क की रेडियस ले ली हमने आर। उसको और अच्छे से बना लो यहाँ तक। तो इस डिस्क की रेडियस, इसका सेंटर ये हो गया और यहाँ से इसकी रेडियस हो गई r। इसके सेंटर से किसी x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो वो पॉइंट है P, तो इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि ये डिस्क जो है ये बहुत सारी रिंग्स से मिलकर बनी है, इनफाइनाइट टाइम्स रिंग्स से मिलकर बनी है। जिस तरह से हम एक डिस्क के लिए उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे और हम उसमें मानते थे कि जो डिस्क है बहुत सारी रिंग्स से मिलकर बनी है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या मान लेंगे कि जो डिस्क है बहुत सारी रिंग्स से मिलकर बनी है। तो हम क्या मान लेंगे कि एक रिंग है जिसकी रेडियस है आर और थिकनेस कितनी है उसकी डी आर। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया कि एक रिंग है, ये हमने एक रिंग बना ली, हमने क्या बना ली, एक रिंग बना ली, और उस रिंग के लिए हमने उसकी जो थिकनेस है उसको मान लिया डी आर और इसकी रेडियस को हमने मान लिया आर। तो जब हम रिंग के लिए उसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो हम यहाँ क्या मानते थे, कोई एक एलिमेंट मानते थे, चार्ज एलिमेंट मानते थे जिसका चार्ज कितना होता था, डी क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे कि लेट द डिस्क, डिस्क इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रिंग, बहुत सारी रिंग्स से मिलकर ये बनी है, एंड वी कंसीडर अ रिंग ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस कितनी हो गई इसकी, डी आर। इसकी थिकनेस हमने कितनी ले ली, डी आर। तो जब हम रिंग की वजह से जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो उसके लिए हम क्या मानते थे, एक चार्ज एलिमेंट मानते थे। तो लेट अ चार्ज एलिमेंट ऑफ चार्ज कितना हो गया, डी क्यू। चार्ज कितना हो गया, डी क्यू। तो ये डी क्यू तो क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी, जो डिस्क है उसकी चार्ज डेंसिटी को कंसीडर करना पड़ेगा। तो चार्ज डेंसिटी ऑफ डिस्क, अब जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था तो हम पढ़ते थे कि डिस्क का केस हुआ या होलो स्फीयर का केस हुआ, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, उनका एरिया कंसीडर करते थे, और जो चीज़ों के अंदर मास होता था वहाँ पर उनका वॉल्यूम कंसीडर करते थे, और जो चीज़ें थी जैसे कि रॉड हुआ वहाँ पर उनकी क्या कंसीडर करते थे, हम लेंथ। तो यहाँ पर भी डिस्क है, तो डिस्क की चार्ज डेंसिटी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी को हमने कंसीडर किया सिग्मा से, और ये बराबर हो गई किसके, क्यू अपॉन ए। ए क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। तो एलिमेंट का जो चार्ज हो जाएगा, तो डी क्यू बराबर ये हो गई चार्ज डेंसिटी। अब ये एरिया आ रहा है, तो एरिया को हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, इसको एरिया ऑफ द रिंग से। तो एरिया ऑफ रिंग, तो एरिया ऑफ रिंग जो होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर डी आर। कितना होगा, 2 पाई आर डी आर। कैसे निकाला ये,
भाई ये इसकी एक थिकनेस भी है, सामने से देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि एक सर्किल है, इसका सर ने एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिया। तो अगर इसको यहाँ से काटो, इसको यहाँ से काट दोगे तो ये रिंग ऐसी सीधी हो जाएगी, ये रिंग ऐसी सीधी हो जाएगी, तो ये तो हो गई इसकी सरकमफेरेंस, ये कितनी हो गई 2πr, और ये मिल गई इसकी थिकनेस, ये कितनी हो गई dr, तो एरिया कितना हो गया 2πr dr। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसको आपने सर्किल ले लिया और इसका एरिया कंसीडर कर लिया पाई आर स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं होगा। इसका एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको काट के देखो ऐसे, तो एकदम सीधी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, तो ये जो पूरी सरफेस फैल गई तो ये तो कितनी हो गई 2πr, और ये जो थिकनेस है कितनी हो गई dr, एरिया कितना हो गया 2πr dr। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, और यहाँ तक कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस इसमें था नहीं। तो अब हमें पता है कि जब हम रिंग के लिए किसी पॉइंट पर एक्सिस पर कोई पॉइंट है उसके, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, यानी कि यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो हमें उसकी वैल्यू डायरेक्ट पता है कि कितनी होती थी। पहले तो मैं ये डिस्टेंस देख लूँ कितनी होगी, ये अगर x है, ये r है, ये डिस्टेंस, तो ये कितनी दिख रही है मेरे को, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के लिए एक्सियल पॉइंट पर रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, 1/4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, और यहाँ क्या होता था क्यू और इंटू एक्स। ये फॉर्मूला हमें रिंग के लिए मिला था जब हमने रिंग के लिए उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो अभी भी हम रिंग के लिए निकाल रहे हैं जिसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, डिस्क में। तो सबसे पहले हम एलिमेंट के लिए लिख लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एलिमेंट एट अ पॉइंट पी पॉइंट ले रखा है हमने, तो कितना आएगा DE। हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं जो रिजल्टेंट वैल्यू आई थी, तो चार्ज कितना है DQ इंटू एक्स ओवर 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से DQ की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, अब इस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को भी ठिकाने लगाने पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, और इसका हम कर देंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। में क्या होगा, दोनों साइड क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि ये x तो हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस 2r dr, और ये क्या बनेगा dz। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि r dr किसके बराबर होगा, dz/2। तो अब जो मेरी इक्वेशन है उसमें क्या चेंजेस हो गए, वो इक्वेशन हो गई DQ की जगह मैंने लिख दिया सिग्मा 2πr dr और इंटू एक्स पहले सा था अपॉन 4πε0 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को किससे, जेड से, तो DE, और RDR किससे कन्वर्ट हो जाएगा, dz/2। पहले तो ये कट गया 2 times, तो ये 2 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा अपॉन 4ε0 और RDR की जगह क्या आ जाएगा, RDR की जगह आ गया जेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जेड पावर 3/2। अब इसको हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे इंटीग्रेट। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने जेड तो ले लिया पर इसकी लिमिट्स के लिए क्या करोगे, हम अभी इसकी लिमिट से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लास्ट में हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको वापस से इस फॉर्म में लिख देंगे, तो सो दैट कि हम इजीली लिमिट्स लगा सकें। हालांकि जो इसकी लिमिट्स होंगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट्स होगी यहाँ से, इसका सेंटर है ये, तो ये 0 हो गया और कहाँ तक जाएगी, आर तक, और लिमिट्स जो होगी इसकी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से आर तक। तो इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन, तो अबव इक्वेशन यानी कि ये इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये बनेगा E और ये रहेगा सिग्मा एक्स अपॉन 4ε0 और ये dz ओवर z पावर 3/2। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा कैसे होगा, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन कैसा होता है, xn+1/n+1, तो ये लिखा है z -3/2 dz, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, z -3/2+1/-3/2+1। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा -σx/2ε0, भाई यहाँ से -1/2 आएगा, ऊपर जाएगा तो 2 से 4 को काट देगा और ये बनेगा z की पावर -1/2।
तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा माइनस सिग्मा एक्स अपॉन टू एफसेल नॉट अपॉन वन अपॉन जेड पावर वन बाई टू। जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसको लिखोगे माइनस सिग्मा एक्स अपॉन टू एफसेल नॉट और वन अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी लिमिट लगा लो, कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से आर तक। तो लिमिट लगाओगे तो क्या बनेगा, माइनस सिग्मा एक्स अपॉन फोर हो गया ना, नहीं टू हो गया, टू एफसाइल नॉट, टू एफसाइल नॉट, और एक बार आर रखना है तो आर रखोगे तो क्या लिखा जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस दोबारा आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और सिग्मा एक्स अपॉन टू एफसाइल नॉट, और अब आर हो गया जीरो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह से। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा माइनस सिग्मा एक्स अपॉन टू एफसाइल नॉट और अपॉन वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन टू एफसाइलॉन नॉट। तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिग्मा अपॉन टू एफसाइलॉन नॉट कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह गया वन माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क के लिए, नॉन कंडक्टिंग डिस्क के लिए उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है या कुछ वैल्यूज़ दे दी जाती है, यानी कि एक्स की वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू दे दी, आपसे पूछ लिया कि डिस्क के किसी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, उनको भी यदि हम कंसीडर कर लें तो स्पेशल केसेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, फॉर अ लॉन्ग इनफाइनाइट और लार्ज, लॉन्ग की जगह इसको लार्ज लिख लो, लार्ज इनफाइनाइटली नॉन कंडक्टिंग डिस्क। ये जो डिस्क हम ले रहे हैं वो कैसी है, नॉन कंडक्टिंग, तो उसके लिए आर की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। यहाँ पर आर की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन इनफाइनाइट, तो ये क्या देगा, जीरो। तो एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि एक लार्ज इनफाइनाइटली नॉन कंडक्टिंग डिस्क के लिए जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यदि बात की जाए कंडक्टिंग डिस्क के लिए, फॉर अ कंडक्टिंग डिस्क both sides of disc has charge, दोनों साइड पर क्या होता है, चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहाँ पर आ जाता है वो कितना आता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, जो कि कितना बन जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि एक कंडक्टिंग डिस्क के लिए जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग लार्ज इनफाइनाइट वाली डिस्क, इनफाइनाइटली लार्ज डिस्क के लिए इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग डिस्क को ऐसा लिखो, इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग डिस्क के लिए सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और सिर्फ नॉन कंडक्टिंग डिस्क के लिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला किसके लिए है, नॉन कंडक्टिंग डिस्क के लिए उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी एक्सियल पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ आर क्या है उसकी रेडियस और एक्स क्या है सेंटर से वो पॉइंट जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सके, और आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें इस तरह के वीडियो बनाने की एनर्जी और ज़्यादा मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।